हाई स्कूल के एक शिक्षक ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। शिक्षक ने स्कूल में ही पढ़ने वाली छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। आरोपी शिक्षक के खिलाफ छात्रा ने थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। स्कूल की नाबालिग छात्राओं के साथ यौन शोषण के मामले दिल दहला देते हैं। डिंडोरी का मामला जो जीडीएस मिशनरी स्कूल का था वो अभी चर्चाओं में ही बना हुआ है, लेकिन नया मामला फिर सामने आ गया और हाई स्कूल सालेगोरी से जहां स्कूल में ही पदस्थ शिक्षक ने स्कूल की छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर दी। इसकी शिकायत छात्रा ने स्कूल प्रबंधन से की। स्कूल प्रबंधन ने कहा कि छात्रा ने उन्हें छेड़छाड़ की सारी जानकारी दी है, कैसे आरोपी शिक्षक ने उसके साथ उसका हाथ पकड़ा और कैसे उसके साथ दुर्व्यवहार किया। घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को भी दे दी गई है, लेकिन शर्मनाक बात यह है कि इस पर भी स्कूल प्रबंधन ने शिक्षक के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई है। ये बच्ची के साथ घटना हुई थी, सर को जानकारी दिए मेरे को 1:30 बजे करीब कि बुलवाए मैडम स्कूल तक आइए करके, तो सर बुलवाए फिर मेरे को। फिर यहाँ पे आने के बाद मेरे को मालूम चला कि क्या मतलब स्थिति क्या बात है करके, सामूहिक मतलब तुरंत कार्यवाही मतलब प्रतिवेदन बनाया गया स्टाफ स्कूल में ही और BO BRC कार्यालय में जानकारी दी गई। जी कल जो बच्ची ने अवगत कराया सर 1:30 बजे हमें, जैसे छुट्टी हुआ 1:30 की छुट्टी हुई बच्ची ने मेरे सामने आई और अपनी जो अनंत छुरी के बारे में पूरी खुलासा मेरे पास रखी, तो उस मामले पूरे स्टाफ को बुलाया और उनके समक्ष फिर दोबारा रिपीट करवाई उसी शब्द को। सर वो बच्ची जैसी जैसी बताई थी वो मतलब हम लोगों को वैसी हाथ में छू कल हाथ पकड़ा था शायद, उसके बाद पहले से उनको कुछ हरकतें करती रही, उस दिन तक तो नहीं बताई, लेकिन कल जो है तो लड़की खुलासा बताई। जी सर BO और BRC में वो लेटर कल ही किया, कल की डेट भी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।